हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, इस वीडियो में देखेंगे कि मोटोरोला का जो टैब था जिसका अनबॉक्सिंग किए थे पहले वाले वीडियो में, तो उसका सेटिंग देखेंगे अपडेट के बाद क्या क्या चेंज हुआ है। और ऐसे पहले 12 था तो अब 13 हो गया, तो वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। और इस तरह के काफ़ी स्मूथ फील आ रहा है चलाने में इसको, और बैटरी भी, और इसमें क्या क्या दिया गया है वो आप दिखा देते हैं। तो नीचे में कुछ ऐप दिया गया जो कि गूगल का ऐप है, सब यूट्यूब हो गया, इधर का गूगल का है, और इधर कॉन्टैक्ट हुआ ये सब है, क्रोम हो गया। तो कुछ कुछ ऐप जो दिया गया है, और बाकी इसमें इतना ही ऐप है। आप जैसे देख रहे हैं कोई भी एक वो फालतू का ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स है इन्होंने दिया है, और यूट्यूब किड्स ये सब दिया है। तो कुछ कुछ ऐप जो है वो फालतू का है, बाकी सब तो नॉर्मल फ़ोन में रहता ही है। तो ये सब इन्होंने ऐप दिया गया है इसमें। और इसका अगर सेटिंग अगर देखें तो गाइस ये रहा सेटिंग, और सेटिंग में कुछ ऑप्शन जो है आप यहाँ पर देख रहे गाइस, हैं। ये कुछ सेटिंग रहा। सेटिंग अपडेट करने के बाद एक्चुअली में ये 12 एंड्रॉयड 12 था, और ये अब 13 हो गया है अपडेट करने के बाद। और ये देख रहे हैं अबाउट में, यहाँ पे एंड्रॉयड 13 है, और ये कुछ फीचर होता है इसका जो आप देख रहे हैं। 4/64 रैम हो गया, रोम साइज हो गया 64 ये, और सिस्टम का देखें तो सिस्टम में कुछ ये नेविगेशन दे दिया गया है, लैंग्वेज का है, डेट एंड टाइम का है, तो कुछ कुछ ये सब सेटिंग इसमें दिया गया है।